में इंडिया गेट के पास फिर दिखा बाइकर्स का स्टंट, पुलिस ने कई लड़कों को लिया हिरासत में। दिल्ली में स्कूटी सवार टीचर का पर्स छीनकर भागे बदमाश, पीछा कर रही टीचर की स्कूटी बिजली के खंभे से टकराई, इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुराना घरेलू नौकर गिरफ्तार, शक ना हो इसलिए महीने भर पहले छोड़ दी थी नौकरी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 50 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में अमेरिकी महिला पासपोर्ट गुम होने की रिपोर्ट कराने में घंटों रहे परेशान, पुलिस एक थाने से दूसरे थाने में भेजती रही। मुंबई के सांता क्रूज में बिल्डर साइट पर गोलीबारी, दो लोगों की गोली मारकर हत्या। अहमदनगर में भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने की एक शख्स की जबरदस्त पिटाई, शादी का वादा तोड़ने पर लड़की ने की थी तृप्ति से शिकायत, पुलिस में मामला दर्ज। मुंबई में मनचले सेल्समैन को छेड़छाड़ के आरोपी को एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर धूना, चेकिंग रूम में महिला के पीछे घुसा था सेल्समैन। गड्ढों की वजह से अपने बेटे को खो चुके दादा साहेब बिलोरे की मुहिम, मुंबई की सड़कों के गड्ढे भरने का उठाया जिम्मा। अहमदनगर में नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हुई मां, लोगों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के क्षेत्र जलालाबाद में दलित परिवार पर पुलिस की दबंगई, बच्ची की पिटाई के विरोध पर पूरे परिवार को मारा। मंदसौर में बजरंग दल की पिटाई का शिकार दोनों महिलाओं को कोर्ट से जमानत, गोमांस ले जाने के शक में हमला। 3 साल से सस्पेंड दलित महिला आईएएस अधिकारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी, दया मृत्यु की मांग। ऊना के पीड़ितों की सेहत बिगड़ने की वजह से उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिवार के मुताबिक राजनीतिक दबाव में किया गया डिस्चार्ज। अहमदाबाद में पाटीदार नेता और बीजेपी के बागी विधायक नलिन कोटदिया पर रंगदारी मांगने का आरोप, बिल्डर मधुभाई वसाणी ने दर्ज कराई शिकायत। बिल्डर ने पुलिस को सौंपी पिटाई की सीसीटीवी तस्वीरें, हार्दिक पटेल के आंदोलन के समर्थन कर रहे हैं नलिन कोटदिया। मनाली में विदेशी महिला से गैंग रेप मामले में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में से 3 नाबालिग। दिल्ली में एक युवक को जलाए जाने के लिए मामले में पुलिस का केस सुलझाने का दावा, दोस्तों के साथ पत्नी भी साजिश में शामिल। फरीदाबाद में सड़क किनारे बोरी में पड़ा था बच्चा, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने किया पुलिस के हवाले, बच्चा अस्पताल में भर्ती। उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का कहर, हरियाणा के यमुनानगर में सैलाब में फंसे 7 लोगों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उत्तराखंड में तेज बारिश, कालाडूंगी का नाला उफान पर, सड़क पार कर रहे 2 बाइक सवार लहरों में बहे, लोगों ने मिलकर बचाया। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, आज और कल 200 मिलीमीटर तक हो सकती है बारिश, अब तक 58 लोगों की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फ्लैश फ्लड में फंस गए छात्र, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ में फंस गए 8 मजदूर, प्रशासन की मदद से सुरक्षित निकाले गए। जम्मू में पानी में बहने से 2 स्कूली छात्राओं की मौत, रजौरी में मकान ढहने से 1 महिला की गई जान। उत्तर बिहार में बाढ़ से बेहाल है 16 प्रखंड, बचाव के लिए लगाई गई सेना, हजारों लोगों को मदद का इंतजार। यूपी में भी घाघरा और शारदा नदियों से तबाही, बाढ़ और कटान में गुम हो गए 100 से ज्यादा घर। पश्चिम बंगाल में सैलाब की चपेट में आए कई जिले, किनारों के कटान को रोकने में जुटे गांव वाले। असम में 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, 12 लोगों की हो चुकी है मौत, गृहमंत्री ने दिया मदद का भरोसा। डोपिंग टेस्ट में फंसे नरसिंह यादव पर आज भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा में सुनवाई, 2 सैंपल भी पॉजिटिव होने से बड़ी मुश्किल है। सोनीपत के डीआईजी एचएस दून ने कहा, नरसिंह यादव की शिकायत पर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। नरसिंह की जगह दूसरे खिलाड़ी के रियो भेजे जाने को लेकर सस्पेंस, खेल मंत्री विजय गोयल बोले, अब किसी को नहीं मिल सकता है चांस। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने खेल मंत्री के बयान को बताया गलत, बोले नरसिंह की जगह रियो जाएंगे प्रवीण राणा। शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह का आज हो सकता है 20 सैंपल टेस्ट, आर के आनंद है इंद्रजीत के वकील। वीडियो केस में आज लोकसभा कमेटी के सामने पेश होंगे भगवंत मान, समिति ने खारिज के वकीलों के साथ पेश होने की याचिका। आप कार्यकर्ता खुदकुशी मामले में आप विधायक शरद चौहान से क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ, शोषण के बाद जानते हुए भी नहीं की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब की मलेर
कोटला अदालत ने भेजा जेल, पवित्र ग्रंथ की बेइज्जती के आरोप में 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत। दिल्ली के छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर की बड़ी मुश्किल, एमएलए के घर पड़ा था इनकम टैक्स का छापा। संसदीय सचिव के मामले में पार्टी नहीं बनेगी कांग्रेस, बीजेपी और दिल्ली सरकार, लेकिन जरूरी जानकारी ले सकता है चुनाव आयोग, 10 अगस्त को अगली सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा आने वाले समय में और गंदा होने वाला है दमन, मुझे मरवा सकते हैं प्रधानमंत्री। केजरीवाल ने फेसबुक पर जारी किया वीडियो, कहा बौखला गए हैं मोदी, दिल्ली के सीएम ने उठाया सवाल, क्या सुरक्षित हाथ में है देश। केजरीवाल के संदेश पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, रमेश विधूड़ी बोले काम कुछ करते नहीं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी मोदी और अमित शाह पर लगाया देशद्रोह के केस में फंसाने का आरोप, मुठभेड़ में मरवा दिए जाने की आशंका। पीएम के खिलाफ केजरीवाल की भाषा को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया गलत, कहा लोकतंत्र में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बेटी के बचाव में सामने आकर सुर्खियों में छाई, स्वाति सिंह के खिलाफ दर्ज है महिला उत्पीड़न का केस, जयशंकर सिंह की पत्नी पर भाभी से मारपीट का आरोप। झारखंड के देवघर में सामने आए जयशंकर सिंह की ताजा तस्वीर, शनिवार को बीजेपी के पूर्व नेता ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। जयशंकर सिंह की तस्वीर सामने आने के बाद मायावती ने उठाया सवाल, पूछा बीजेपी शासित राज्यों में आराम से कैसे घूम रहे हैं जयशंकर सिंह। बीएसपी के दो और विधायक हुए बागी, मायावती पर लगाया पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप, बोले मांगा गया 5 करोड़ रुपए। राहुल को नहीं मिली लखनऊ में राजभवन तक मार्च की इजाजत, 29 को शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष। जीएसटी बिल पर नरम पड़े मोदी सरकार के तेवर, कैबिनेट ने 2 संशोधनों को दी मंजूरी। 1% के अतिरिक्त कर का प्रावधान खत्म, 5 सालों तक बड़े राज्यों को नुकसान की भरपाई करेगा केंद्र। बदलाव के बाद अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल, सरकार को उम्मीद इसी सत्र में पास हो जाएगा बिल। एफडीआई पर संघ की शिकायत दूर करने की कोशिश, अमित शाह की मौजूदगी में 7 मंत्रियों की आरएसएस नेताओं के साथ बैठक। भ्रष्टाचार मामले पर फडणवीस सरकार के लिए आपने खड़ी की नई चुनौती, बीजेपी नेता आशीष शेलार पर 3 कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, आपका आरोप शेलार ने चुनावी हलफनामे में छुपाई कंपनियों के डायरेक्टर होने की बात। अन्ना हजारे ने की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, सीएम के सामने रखी पूरे महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग। हिरणों के शिकार मामले में नए खुलासे ने बढ़ाई सलमान की मुश्किल, 17 साल बाद सामने आया अहम गवाह हरीश दुलानी। बाहुबली नेता डीपी यादव को दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत दबोचा, सट्टा रैकेट चलाने को लेकर होगी पूछताछ। राजस्थान के मोस्ट वॉन्टेड अपराधी आनंदपाल सिंह पर पुलिस की नकेल, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी। बीकानेर में धरा गया गैंगस्टर आनंदपाल के नाम से, फेसबुक चलाने वाला नाबालिग महज शौक के लिए किया करता था धमकी वाले पोस्ट। धौलपुर जिले में पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह का, लोगों ने किया घेराव, नई मशीन के नाम पर राशन नहीं दिए जाने से नाराज। जयपुर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने सलून में घुसकर व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की मौके पर मौत, सलून मालिक अस्पताल में भर्ती। जोधपुर में दिनदहाड़े घर में घुस गए 7 चोर, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस तलाश में जुटे। गाजियाबाद में फीस को लेकर हंगामे के बीच 9वीं क्लास की छात्रा ने की खुदकुशी, 3 महिला टीचर्स पर घर जाकर परिवार से बदसलूकी का आरोप। परिवार के मुताबिक टीचर्स ने दी थी छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की धमकी, घबराई हुई प्रियांशी ने दी जान, लोगों ने थाने में महिला टीचर्स को पीटा। गाजियाबाद में घरेलू झगड़े में पति ने की पत्नी की हत्या, दोनों के हैं 2 छोटे बच्चे। बागपत में दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर टूट गया चंद दिनों का रिश्ता, दूल्हे ने फोन पर दे दिया तलाक। यूपी के गोंडा में रेप पीड़ित छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही झोला छाप डॉक्टर पर आरोप। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता ने टीएमसी विधायक अरबुल इस्लाम पर लगाया हमला कराने का आरोप, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। कोलकाता में 13 अंडर ग्रेजुएट छात्राओं ने दर्ज कराई शिकायत, अंग्रेजी के प्रोफेसर के बेटे एकलव्य चौधरी पर यौन शोषण का आरोप। दरभंगा के रहने वाले बीएसएफ जवान राजीव रंजन साथी को चाकू मारकर हथियार लेकर फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर से अगवा इंजीनियर बेतिया में बरामद चकमा देकर भागने में कामयाब, अपराधियों ने मांग रखी थी 20 लाख की फिरौती।
बिजली विभाग के अभियंता मनोज कुमार ने औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर पर लगाया पिटाई का आरोप, पुलिस से सुरक्षा की मांग। पुरुलिया में रेलवे पुलिस कांस्टेबल इंद्रजीत कुमार की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रही थी कोशिश। जलपाईगुड़ी में एलपीजी टैंकर की ट्रक से टक्कर, गैस रिसने से पूरे इलाके में दहशत। 18,000 लीटर एलपीजी लेकर जा रहा था टैंकर, हादसे के बाद ट्रैफिक बंद। 100 मीटर के दायरे में आग के इस्तेमाल पर पाबंदी। जोधपुर में दो टैंकर्स में टक्कर से लगी आग, आग की चपेट में आकर जिंदा जला एक ड्राइवर। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्र और नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की कॉलेज कैंपस में मौत, पोल में करंट से गई जान। पुणे के एफटीआईआई में दो साल बाद 70 छात्रों ने लिया दाखिला, नए छात्रों से अच्छे बर्ताव का एफिडेविट, सीनियर छात्रों ने जताया विरोध। सूरत के हीरा व्यापारी महेश भाई सवाणी समाज के लिए मिसाल, बिन बाबुल की बेटियों की सजाते हैं डोली। महेश भाई अब तक 472 लोगों का करा चुके हैं कन्यादान, सामूहिक मंडप में ही अपने बेटे और भतीजे की भी रचाएंगे शादी। रांची की फुटबॉल खिलाड़ी परिणीता की लगन बनी मिसाल, परिवार चलाने के लिए सुबह बच्चों को पढ़ाकर दोपहर में करती है मजदूरी। शाम होते ही कोच बनकर ग्राउंड पर 30 बच्चों को फुटबॉल सिखाती है परिणीता, बीए पार्ट टू की कर रही है पढ़ाई। पाकिस्तान के सिंध में दो हिंदू नौजवानों को मारी गई गोली, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह जख्मी, इस्लाम की बेअदबी का आरोप। जेद्दा में फंसे भारतीयों ने लगाई गुहार, भारत सरकार से वतन वापसी के लिए मदद की अपील। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अलास्का में मछली मारने वाले डूबते जहाज का किया रेस्क्यू, 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों पर मधुमक्खियों का डेरा, शहर में 300 रजिस्टर्ड छत्ते। वेनेजुएला के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने की कमी, 50 जानवरों की हो चुकी है मौत। नए लुक में नजर आ रहे हैं आमिर खान, नई फिल्म के लिए कान और गले में डाले गहने। अमिताभ बच्चन ऋतिक रोशन की फिल्म ठग से अलग, फिल्म में पिता की भूमिका में थे बिग बी। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में म्यूजिकल फेस्टिवल में शामिल होंगे प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड के कलाकारों के साथ करेंगी होस्ट। डिजूम फिल्म के प्रोड्यूसर से खुश नहीं है अक्षय खन्ना, प्रमोशन में वरुण धवन और जॉन अब्राहम के मुकाबले में कम तरजीह। दो बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली कोंकणा सेन शर्मा ने पहली बार फिल्म का किया निर्देशन, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा अ डेथ इन द गंज का प्रीमियर। सोनाक्षी ने अपने फैंस के बीच लॉन्च किया फिल्म अकीरा का ट्रेलर, 2 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। जल्दी गहने लेकर आ रहे हैं सलमान का बीइंग ह्यूमन, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होंगे गहने। भारतीय रेलवे का मेकओवर करेंगे फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी, रेल मंत्री को सौंपा चार थीम, कर्मचारियों के ड्रेस कोड में भी बदलाव।